वेलकम टू फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ सोरम। हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एंड गेम को लेकर दर्शकों में कितना उत्साह है ये हमें मीडिया रिपोर्ट्स में पता चल ही गया है। केवल भारत में फिल्म एवेंजर्स एंड गेम के एक दिन में 1 मिलियन टिकट बिक चुके हैं, जिसने ट्रेड एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया है। ट्रेड एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि भारत में ये फिल्म सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। टिकट्स की बिक्री को देखते हुए एवेंजर्स फैंस के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक एवेंजर्स एंड गेम के शो भारत में 24 घंटे चलेंगे, यानी कि एवेंजर्स एंड गेम देखने के लिए अब आप किसी भी वक्त सिनेमा घर जा सकते हैं। जी हां, सभी मल्टीप्लेक्स में इसके 24 घंटे यानी कि 24/7 शोज होंगे। एवेंजर्स एंड गेम के मेकर्स ने सोमवार को लॉस एंजलिस में फिल्म का प्रीमियर भी रखा था, जहां फिल्म के लगभग सभी कलाकार मौजूद थे। जो भी दर्शक प्रीमियर से एवेंजर्स एंड गेम को देखकर निकला वो एक ही बात कह रहा था कि ये फिल्म नहीं बल्कि मास्टरपीस है। दर्शक रूसो ब्रदर्स की फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दर्शकों ने जो सोशल मीडिया पर ट्वीट किए हैं, अगर उसका सार निकाला जाए तो यही समझ में आता है कि फिल्म दर्शकों की उम्मीद पर खरी उतरी है। दर्शकों के मुताबिक एवेंजर्स एंड गेम का एक्सपीरियंस शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। इस फिल्म तक पहुंचने के लिए 100 सालों की मेहनत लगी है और यह अपने पहले सीन से ही लोगों को एक्साइटेड कर देती है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन के साथ साथ शानदार स्टोरी लाइन भी है। फिल्म में कॉमेडी और एक्शन जैसे सभी इमोशंस का परफेक्ट मिश्रण भी है। इस फिल्म को बार बार देखा जा सकता है। व्यूअर्स को इस फिल्म में जो देखने को मिला उसके बाद कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि मार्वल यूनिवर्स की फिल्में जो भी इंसान देखता आ रहा है उसके लिए एवेंजर्स एंड गेम बहुत ही भावुक फिल्म हो सकती है। दर्शकों के रिएक्शन देखने के बाद हम यही कह सकते हैं कि ये एक एपिक फिल्म होने वाली है जो दर्शकों के दिमाग में हमेशा के लिए छा जाएगी। और ऊपर से भारतीय फैंस के लिए एक और तोहफा जो मिल गया है, अब वो ये फिल्म किसी भी वक्त देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मल्टीप्लेक्स 24 घंटे खुले रहेंगे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।